आइए स्वागत है आपका, आपको दिखाते हैं कि अम्बाजरी में बरसात के बाद का हाल क्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर पार्क है जो नितिन गडकरी जी ने बनवाया है, लेकिन उनकी लापरवाही के कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी जमा हो चुका है, पूरा पानी ओवरफ्लो पे आ चुका है, सिर्फ एक छोटा सा ले रहे हैं कि आपको खाली देखने की पानी कैसे निकलता है। ये देखिए, देख रहे हैं पानी बाहर आ रहा है, देखिए पानी बाहर आ रहा है। ये सीवेज नहीं हुआ, ये हर जगह हुआ। आइए इधर आइए, ये देखिए यहाँ भी सेम कंडीशन है। आइए इधर आइए, इधर आइए, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पूरा सूखा पड़ा है, यहाँ पर सूखा पड़ा है क्योंकि यहाँ का सारा पानी जो है नितिन गडकरी जी ने अपने घर पर ले लिया। नहीं, इनमें भेदभाव हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि ये वही है, ये है संविधान का दुरुपयोग। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को भरपूर पानी दिया जा रहा है और किसी कम्युनिटी को पानी नहीं दिया जा रहा है। आप इसमें पूरा सूखा हुआ है, यहाँ पर चींटियाँ पानी तड़प रही है। देख सकते हैं यहाँ पे चींटियाँ पानी की तड़प रही है यहाँ पे। आइए आपको और कुछ दिखाते हैं, आगे की रिपोर्ट आपको बाद में देंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो आइए दोस्तों, हम कुछ यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करना चाहते हैं। आइए हम तो मैम, आपका क्या कहना है इस बरसात के बाद में जो पानी भर चुका है, हर तरफ चक्का जाम हो चुका है, आपको क्या कहना है? मैं छोटी सी बच्ची थी, मेरे हाथ में इन्होंने मैम घघरा भर पानी दे दिया। अपना पानी संभालने में एंगेज है, मैम से बातें करना चाहती हूँ, हम आगे चलते हैं, हम किसी और से बात करते हैं। चलिए मैम, आप गूंगी हैं। उनको देखिए भाई, डर की झोंकरे। आइए दोस्तों, आपको कुछ और चीज़ें दिखाते हैं जो कि बरसात बोल चुकी है। ये देखिए, ये रहा इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जो कि बारिश की बात से जो अटक चुका है और इसकी सरकार ये रेस्क्यू कराने आया था। जी हाँ, ये रेस्क्यू कराने आया था और खुद रेस्क्यू होने के फंस चुका है, और रेस्क्यू के लिए हमने अभी इसके लिए कुछ तार बांध चुके हैं बाहर यहाँ तक के खींच के निकालने वाले हैं, और इधर से भी बांध चुके हैं हमने तार। और आप देख सकते हैं ये इनकी जो गन है, आपको लग रहा होगा कि ये पाइप जो है वो पानी छोड़ने के लिए है, और आप देख सकते हैं इसमें से जो गड्ढे हैं वो बुलेट के आकार से होकर पानी के आकार में चले गए हैं। तो ये हो गया बारिश के बाद का इफेक्ट। हम मिलेंगे और कुछ अपडेट दे रहे हैं आपको, बने रहिए। तो दोस्तों, जिस तरह से बारिश के हालात हैं नागपुर में, उसको देखते हुए सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। तो इस बैठक में हमारे साथ में अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। इनकी मीटिंग चल रही है, मीटिंग को देखते हुए यहाँ पर लोग जमा हो चुके हैं। आप देखते हैं यहाँ पे गरीब लोग, भूखे नंगे लोग किस तरह यहाँ पे खड़े हैं उनको देखने के लिए। ये लोग इस उम्मीद में खड़े हैं कि कुछ खाने को मिल जाएगा। हमारी तरफ हर तरफ लोग जमा है और लोग देख रहे हैं कि क्या बात चल रही है, इस बैठक के दौरान क्या निष्कर्ष निकलता है। और सबसे मुद्दे की बात है कि इनको चाय मिलेंगे या नहीं, क्या आपको नाश्ता मिलने वाला है? हाँ जी, मिलने वाला, पोहा मिलने वाला है, और पोहे के साथ में क्या मिलेगा? ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, अभी तक के नाश्ता नहीं मिला है अभी इनको। ये आप आइए से जानते हैं। तो सागर जी, कैसा लग रहा है आपको इस बारिश को देखते हुए? तो पानी भर चुका है, उधर जाओ उधर, वो दो लोग तो इनकी गान पड़ के चार हो चुकी है। हम किसी और से बात करते हैं। वाल्मीकि जी, इस बरसात के बाद से आपके हमने क्या गाँव में पूछ रहे हैं, क्या आपने न्यूज़ देखी किसी तरह से पानी भर चुका है? ये गरीब नहीं है भाई, इनका पेट देखो भाई, हर गरीब आदमी का पेट बड़ा होता है। हम बोले थे कि गरीब आदमी से बात करनी है, आप देख सकते हैं तीन लड़कियां साथ रखने वाला आदमी नहीं, नहीं कभी गरीब। मैं देख पा रहा हूँ कि ये लड़का है, ये भी लड़का है, इसी आइडेंटी कम है, मेरी बात आइडेंटी कम है। सॉरी सर, सॉरी सर, हम असली लोगों के इंटरव्यू नहीं लिया जाते, सॉरी सर, सॉरी सर, नहीं सॉरी सर, सॉरी सर, हम तो बचपन से खड़ा नहीं होता, हम गरीब लोगों की आउट ऑफ कवरेज। ये असली बातें हैं, डैप डैप। तो दोस्तों, सस्ती टीवी की तरफ से हमने इस डैम के ऊपर नजर रखने के लिए हमने यहाँ पर कैमरा लगा दिया है, और कैमरा पानी से ख़राब ना हो इसलिए उसके ऊपर हमने शेड डाल दिया है, ठीक है। जस्ट कैमरे के सामने ही मीटिंग चल रही है हमारे दिग्गज नेता लोगों की। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटिंग बहुत देर चल रही है और लोग खड़े होकर के देख रहे हैं कि क्या निष्कर्ष निकल के आता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें एक के साथ एक हो रही है। एक तरफ जो है हमारा इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर फंस चुका है जो कि खुद रेस्क्यू के लिए आया था, उसको भी रेस्क्यू की जरूरत है। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ हमने कैमरा लगा दिए हैं जल का स्तर देखते हैं, और हमारे जो कैमरे थे वो भी उड़ रहे थे, तो हमने क्या किया, वहाँ पर कुछ जो है नट बोल्ट वगैरह वो चिपका दिए, जिसके कारण अभी आपको कुछ दिख रहा तो नहीं होगा वो कैमरे से,
पर जो कैमरे है वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आप देख सकते हैं कि कैमरे बिल्कुल सही तरह से लगे हुए, कितनी भी हवा तेज चले, बारिश जोर से हो, लेकिन कैमरे आधी आया तूफान, कैमरे खड़े सीना तान। हाँ, बड़े ही कैमरे से दिखे ना कुछ, पर कैमरे वहाँ पर रहेंगे, एक नहीं दो नहीं तीन तीन लगा के रखे हैं हमने, लगाए हर तरफ से, हम आपको लगातार अपडेट दे देंगे। और आप देख सकते हैं कि इस खास मीटिंग को देखने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े नेता अभिनेता पहुँच रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर के, और आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई है, कुछ लोग और भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग निकाला लेके पास नहीं है अभी भी, और चारों जाने का रास्ता निकल रहा है, ठीक है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे, हम बात करना चाहेंगे उनसे। तो सर क्या कहते हैं इस बारिश बरसात के बाद में जो पानी का लेवल बढ़ा है, इसमें किसी गलती है, सरकार की गलती है? ये मैं बता रहा हूँ सर आपको, ये बंदा है जो वहाँ से निकला था, इसलिए नहीं सर आपने सर आपको क्या दिया था कि आप खा रुकी नहीं रही, इसकी उम्मीद क्या था? ऐसा क्या है उम्मीद किया था कि जो इनकी निकलने लगी और आपकी बहने लगी? केला दिया था, इसलिए आज ज़्यादा खबर, इन्होंने इनको केला दिया, इन्होंने लॉलीपॉप दिया, जिसके बाद से जो है जल का स्तर बढ़ने लगा, रात भर बरसात हुई है, और जो हमें जोर जोर की आवाज़ें आ रही थी, वो जोर जोर की आवाज़ें को बिजली निकल रही थी, वो इनके चीखे थी। ओह, आइए हम देखते हैं आगे। तो हम ये मोदी और अमित शाह को बताना चाहेंगे और इसकी G20 में चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं क्योंकि सामने ही G20 की वही जगह है जहाँ पर कुछ समय पहले G20 समिट हुआ था, जहाँ पर लोग पहुँच रहे थे विदेशों। और ये विदेशों से मोदी जी की गर्लफ्रेंड आई थी यहाँ पर, ये वही जगह है जहाँ पर मिलोनी जी आई थी, हमारी भाभी जी, जहाँ पर वन अर्थ वन फैमिली वन आवर फ्यूचर इसका नारा दिया जा रहा था, ये वही जगह है जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे थे। और आप देख सकते हैं कि इस बैठक के दौरान हर तरफ से लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और जगह है जहाँ पर पानी का जमावड़ा हो रहा है, इधर में क्या दिखता है, और ये पानी किस तरह से बहरा देख सकते हैं, देख सकते हैं ये बुलबुले किसी और के नहीं, तो ये हमारे अपने लड़कों के कारण बुलबुले आ रहे हैं। आप समझने कोशिश कीजिए चीज़ को, ये जो बुलबुले आ रहे हैं ये पानी में क्षार युक्त होने के कारण हो रहा है, और ये जो सारा क्षार है, ये सारा क्षार आ रहा है यूनिवर्सिटी हॉस्टल के कारण। आइए आपको कुछ और चीज़ दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कि पानी इतना भरने का जो लोग रुक नहीं रहे हैं, लोग अपने काम पर जा रहे हैं क्योंकि मजबूरी का नाम रोजी रोटी। आप देख सकते हैं कि हमारे देश में G20 सबमिट हुआ, लेकिन इसके बाद भी लोगों का कुछ भला नहीं हुआ अभी तक, यहाँ पर लोगों की दुकानें बंद पड़ी है, लोग अपनी दुकान खोलने के लिए धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, पर अभी तक एक भी दुकान नहीं खुली है। और एक महाशय दिख रहे हैं अपने को, जो सौकी पे टूट क्या सूट टूट में है, और उसके पास में उन्होंने टैटू बना के रखी है, देखिए देखिए पीछे में नहीं भाई, पीछे में नहीं दिखाना है। तो चलिए आपको कुछ और चीज़ दिखा, कैमरा मैन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइए यहाँ पर, और ये दिखाइए आप किस तरह से बैरिकेड लगे हुए हैं विसर्जन के लिए, यहाँ पर जो व्यवस्था की गई थी गणपति विसर्जन के लिए उसको यहाँ पर फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। कैमरा सर जाइए आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं हम जो है हम लोग यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे आप देख सकते हैं यहाँ पर सीसीटीवी एकदम ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करते हुए आपको हर अपडेट दी जा रही है। आइए आपको कुछ और चीज़ दिखाते हैं, और आप देख सकते हैं हम 3 किलोमीटर चल चुके हैं, तीन माइल सॉरी, यहाँ पे पानी जमा क्यों होता है, ये जिस तरह के यहाँ ये हमें केकड़ा मिल चुका है यहाँ पर, और ये केकड़ा भाग गया उसमें पकड़ने की कोशिश की, ये जो यहाँ पे बॉटल्स दिख रहे हैं आपको यही बॉटल्स है जो कि पानी को रोक देते हैं फंस करके। यहाँ पर भैया रस्सी लेके जा रहे हैं लोगों को बचाने के लिए, बहुत बड़े काम कर रहे हैं भैया, थैंक यू। आइए आप कुछ और लोगों से मिलाते हैं यहाँ पे, ये तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी कैंपस गर्ल्स हॉस्टल में इस तरह पानी भर चुका था, उससे लड़की की तकलीफ हो गई, सारी लड़कियाँ पढ़ने के वहाँ से बाहर आ चुकी है, और सारी लड़कियाँ यहाँ पर आगे पढ़ रही है, और इसको क्योंकि हमारी क्लास की लड़की है, इसका नाम प्रेरणा नहीं, ये वो नहीं है, ये कोई और है, ये वहाँ से पढ़ने के यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन कितनी पढ़ाकू लड़की है ये, बहुत समय से पढ़ रही है, मैं हमेशा देखता हूँ कि लड़की यहीं बैठी रहती है जब से बारिश हुई उसके बाद से, उसके पहले भी बैठती थी, पहले ही बैठती थी आके यहाँ पे। अच्छा, तो इसको क्या बोला जाए स्ट्रीट पर बैठी रहती है, ये स्ट्रीट लवर है, स्ट्रीट लवर है। अच्छा, इसके रूम में लाइट नहीं है, इसकी मैम ने से लाइट काट दिया है जिसके कारण से यहाँ आके पढ़ना पड़ रहा है। आपके लिए एक और अपडेट लेके आए हम कि सरकार ने बढ़ते हुए जल स्तर को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर डेली बेसिस पर रास्ता बंद कर दिया है, तो इस पार्क में अब एंट्री बंद कर दी गई है। आइए और क्या चीज़ बताइए, अभी एक ताज़ा खबर मिली है कि सरकार ने बढ़ते हुए जल स्तर को देखते हुए जेंट्स बाथरूम को बंद कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सरकार ने जेंट्स बाथरूम को बंद कर दिया है,
सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। सरकार को डर है कि ये जो जैन बाथरूम अगर चालू रखा गया तो हो सकता है कि यहाँ पर जो तालाब है कुटाला लेक उसका जल स्तर फिर से कहीं बढ़ ना जाए, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे एंकर के ऊपर भी पानी के छींटे पड़ चुके हैं। लोगों ने हवा में फायरिंग की जिसके शिकार हम हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कोई चीज़ कि इतनी बसा जल्दी लोग अपने काम पर लगे हुए हैं। यहाँ पर बरसात और इससे बढ़ते हुए जल स्तर से बचने के लिए राहत कार्य के लिए सरकार ने यहाँ पर कुछ पानी की टंकियाँ सहायता की टीम भेज दी है। यहाँ पर पानी की टंकी भेज दी है जो पानी स्टोर कर रखा जाए आने वाले भविष्य के लिए। अच्छा, यहाँ पर भी क्या इंडियन सरकार देखना चाहती है, यानी अपने फायदे का सोचना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। सरकार यहाँ पर अभी भी अपने फायदे की ही चीज़ देख रही है। सरकार को किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और भगवान से यही दुआ मांग रही थी सरकार आज के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार इस पानी को बेचने वाली है सऊदी अरब जैसे देशों में। ओहो, इसीलिए वो पानी की टंकियाँ बड़ी है। आप देख रहे थे सरकार उसे चोरी छुपे उतार रही है, इसीलिए आज सैटरडे है और सैटरडे को रहती है गवर्नमेंट छुट्टी। बिल्कुल सही सुना आपने, सरकार जो है आज खास करके लोगों को आज खास करके छुट्टी के दिन काम पे बुलाया है। सरकार का मकसद यही है कि आज के दिन जब सब लोग छुट्टी पर है सरकार अपने कंटेनर्स को उतारे। ये बारिश भी सरकार ने आज ही कराई है। सरकार का ये मकसद था कि आज छुट्टी के दिन बारिश हो जिसके कारण सब लोग घर में रहेंगे, सरकार अपने कंटेनर्स उतारे और उसमें पानी भर के सऊदी अरब को बेचेंगे वहाँ पे। पर सरकार का प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि आप देखिए वो दो लड़कों ने बताए थे कि बिजली कड़का दी उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिजली कड़कने की बात तो बिल्कुल सही कही आपने, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इसमें सरकार की कहीं ना कहीं कोई ना कोई चाल है। क्या साजिश है सच्ची में? बिल्कुल, हालात को देखते हुए सही लगता है, क्योंकि हम लोग इस वक्त ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमने उन लोगों से बात करने की कोशिश की, हाँ। पर कोई हमसे कुछ बात नहीं करना चाहता, जिसमें हमने आपको ओवरफ्लो के बारे में बताए थे। एक बार एक्सपेरिमेंट और करके दिखाएंगे, फिर से दिखाते एक बार कि ओवरफ्लो किस तरह से हो रहा है। ये देखिए किस तरह पानी बाहर निकल रहा है, देख सकते हैं, देख रहे हैं पानी किस बाहर निकल रहा है, ये हर तरफ हो रहा है। और ये रहे भेदभाव के शिकार, हम आपको पिछली बार दिखा देंगे यहाँ पे किस तरह भेदभाव हुआ। आप कह रहे थे कि जो जेल बाथरूम है सब सरकार ने बंद कर दिया, तो यहाँ पर ताला भी लगाया है सरकार ने। सरकार ने ताला इसीलिए लगाया, पर इसमें सील भी नहीं लगाई है सरकार ने। बिल्कुल सही काम है, यहाँ पे सील नहीं लगाई है सरकार, यहाँ पे बिल्कुल अपनी कोई खिचड़ी पका रही है। और सरकार बताना भी नहीं चाहती कि यहाँ पर सील लगी है करके, ऐसा लगाना सरकार। कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है जिससे हम बात करें, कोई यहाँ पता नहीं चाहता। टिकट काउंटर तक बंद कर दिया है यहाँ पे सरकार ने। ये फायर के भी बंद है सेंटर भी बंद कर दिया है सरकार। ऐसा नहीं लगता कि फायर बॉक्स इसलिए बंद है क्योंकि आग नहीं लगी है? जी सही कहा आपने, लेकिन सरकार को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही बरसात हो या ना हो, सरकार को तैयार रहना चाहिए कि आग कभी लग सकती है। यहाँ पर हमारे दिल में आग लगी है, उसे कौन बुझाएगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है। राहुल खन्ना ने कहा था कि सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए, तो उसे कौन बुझाएगा, ये जिम्मेदारी सरकार की है। वाह 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 वाह। और आप देख सकते हैं सरकार के नहीं पर कुछ लोगों के बीच की आग जरूर बुझ रही है। जो आग लगी है ये और ये आग सरकार के कारण लगी है, ये जो आग सरकार ने लगाई है ये आग किसी और ने लगाई है, ये आग सावन ने लगाई है। ये आग बहुत दिन तक रहने वाली है, जब तक इसमें पानी निकल नहीं जाता। हाँ, पानी डालना है, पानी निकालना है, जब तक पानी निकल नहीं जाता तब तक ये आग बुझेगी नहीं। आइए आपको कुछ वो दिखाते हैं। यहाँ पर बारिश के बाद से जो है यहाँ पर भुट्टा उट्टा सब इतना चालू हो चुका है, लोग बड़ी तादाद में अब जमा हो रहे हैं। तो आपको इसमें लोगों का फायदा नहीं दिख रहा है? लोगों को फायदा हुआ है, लोग अपने घर से आज छुट्टी के दिन लोग आज घूमने आ पाए हैं। अगर यही बारिश अगर गुरुवार या सोमवार को होती तो लोग फिर नहीं आ पाते। लोग एक वीकेंड का माहौल जो कहते हैं, एक वीकेंड को एंजॉय कर पा रहे हैं छुट्टी होने। क्या सरकार इस पर भी टैक्स लगाएंगी? कह नहीं सकते, क्योंकि सरकार ने अभी तो कुछ कहा नहीं है, पर सरकार का जिस तरह से रवैया रहा है अभी तक, हाँ, महानगर पालिका गाड़ी जा रही है लोग को रेस्क्यू करने के लिए। जिस तरीके से सरकार ने बताया था कि नोटबंदी हो जाएंगी, क्या वैसे बताएंगी कि 18% से हटाकर 19% कर देंगी? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि एक चीज़ बिक जाने का उसको टैक्स नहीं लगता। हाँ, अगर उसकी EMI बची है तो उसको लग सकता है। ओके, तो भुट्टा की EMI बाकी रहेंगी क्या इन पर? अब देखते हैं कि भुट्टा वाला किस तरह से डील करता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह चीज़ें बिगड़ रही थी सुबह तक, अभी धीरे धीरे हालात जो ठीक होने लगे हैं। लोग अपनी अपनी प्रेमी प्रेमिकाओं को लेकर के निकल रहे हैं, जोड़े में सब आ रहे हैं, माता रानी सबके जोड़े पूरे करें और हमारा भी काम अच्छा बने। और हमारा काम हो चुका है,
आपको यहाँ पे हमारे दो दोस्त हैं जो कि अकेले में आइसक्रीम लेके खा रहे थे, इनसे इनके बाद इन्हें पकड़ लिया हमने, ये आइसक्रीम लेके खा रहे थे, या आधी आधी थी, ये वही है जो आइसक्रीम खा रहे थे, ये हमारा दोस्त, ये हमारा दोस्त जो कि आइसक्रीम खा रहा है, कुछ पहले दोनों को केला खिलाने की बात कर रहे थे, और ये हमारे कैमरा मैन ने आइसक्रीम छीन लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन कैमरा मैन, यहाँ पर हमारे दोस्त का आइसक्रीम छीन चुका है, क्या हमारा दोस्त उसके दोस्त का केला खाएगा? नहीं। क्या आप केला खाना चाहेंगे? नहीं, नहीं, इनका मन उठ चुका है, मेरे दोस्त ने छीन लिया है इनकी आइसक्रीम, खाने दो, तो अब लगता है मुझे भी इनकी आइसक्रीम छीननी पड़ेगी। तो यहाँ पर हालात को देखते हुए दोस्तों आपको एक अपडेट देनी थी, जो कि कैमरामैन की गलती छूट चुकी थी, यहाँ पर हाल ही में यहाँ से प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का काफिला निकला है यहाँ से, तो वो हमारे कैमरा मैन की गलती कारण छूट चुका है हमारे से, लेकिन हम आपको वीडियो कहीं से भी ला के देंगे, बने रहिए हमारे साथ सस्ती टीवी। तो आप देख सकें ये सब जो जगह है यहाँ पर, यहाँ पर किसी गाड़ी में जो है कुछ ऑटो रिक्शा ड्राइवर अपना माहौल बनाते हुए बॉटल लेकर के, और आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे बच्चे थे, वेंकटेश तिवारी, अमित पांडे, सीओ जयसवाल, उनके लिए यहाँ पर पहले छोटे छोटे वो गोलगप्पे के ठेला लगता था, लेकिन बरसात के बाद से उसको रोक दिया गया है, उसको रोक दिया गया है, बड़ा ही उनके साथ में अभी दुर्गम व्यवहार किया जा रहा है, ठेला बंद हो गया है, और अभी क्या खाएंगे वेंकटेश तिवारी, बने रहिए हमारे साथ, आपको और हम अपडेट देते रहेंगे। साथ इतनी जोर की हुई है कि यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन साइट जो है बिखर चुका है, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको दिखाए किस तरह बिखर चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर JCB का छोटा भाई JCB उसको बुला लिया गया है, और आप देख सकते हैं ये पुलिया पहले बहुत बड़ा था ऊपर तक के, ये बरसात के कारण अंदर अंदर जाकर ये पूरी गिट्टी अलग हो चुकी है, लकड़ी अलग हो चुकी है, और ये पुलिया अंदर चला गया है क्योंकि इतना छोटा पुलिया नहीं रहता, क्या करेंगे इतने छोटे पुलिया के, कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पर रॉड की बजाय यहाँ पे लकड़ी यूज की थी, आप देख सकते हैं वहाँ पे लकड़ी के पिलर दिख रहे हैं हमें, वो लकड़ी दिखाया वहाँ पर, देख सकते हैं वहाँ पे लकड़ी है, अच्छा 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 अच्छा, वही चीज़ें है, और ये गाड़ी भी फंस चुकी है यहाँ पर, गाड़ी भी फंस चुकी है, हाँ, भी कोई ना कोई सरकार, और हमारे ये जो एंकर है उनके ऊपर में कितना पसीना आ सकता है आ रहा है, देख सकते हैं सरकार ने अपना आदमी भेजा है देख रेख करने के लिए, और इस देख रेख के दौरान में कुछ और भी देखने को मिल रहा है, जो कि अभी अभी टैप का पानी चालू करेंगे, बिल्कुल ये वही पानी, क्या ये वही पानी है जो सऊदी अरब भेजना है, हो सकता है ये वही पानी है, बिल्कुल आपकी अभी की एकदम ताज़ा खबर, सरकार ने अपना पानी सप्लाई करना चालू कर दिया, बिल्कुल देखो मारने दौड़ेंगे साले, सरकार अपना पानी, और ये कुछ एजेंट है उनके, यहाँ पर कुछ बच्चे जो है खेलते हुए हो चुके हैं, इनकी स्कूल नहीं है, इन क्या इनका स्कूल नहीं है, सरकार ने छुट्टी दे दी उनको स्कूल की, यही भेदभाव कर रही है इंसानों में और जानवरों में, सरकार ये जानवर नहीं है, हम नहीं बोलेंगे इनको जानवर, जानवर नहीं कह सकते, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, म्याऊ म्याऊ, जिस तरीके से वो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपको आप सामने दिख रहे हैं वैसे ही वो छोटे छोटे बच्चे, और अपना चित्र बढ़ रहा है यहाँ, देख सकते हैं ये भी चीज़ें आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, आइए आपको ओके ओके, और हमको और एक दोस्त प्रभावित है, तो आप देख सकते हैं हमारे हमारे यहाँ पे दो लोग मिल चुके हैं जो कि इस घटना से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, आप देख सकते हैं चेहरे किस तरह उतर चुके हैं, और बरसात के कारण ये लोग नहा नहीं पाए हैं, आज इनके यहाँ का पानी भी सरकार ने निकाल लिया है, सरकार इनके यहाँ का पानी भेजने वाले दुबई है, और जो पेड़ गिर चुके थे वो भाई ये भाई ये वही लकड़ी है, ये वही लकड़ी है, ये वही झाड़ की लकड़ी है जो क्या है ओके, क्या ये वही लकड़ी है जो ए लकड़ी पड़ी हो झाड़ में, हाँ ये तो भाई यहाँ पर लाया जा रहा है कुछ करने के लिए, इसके बारे में आपको अलग रिपोर्टिंग देते रहेंगे, यानी हम कितने प्यार से बात करते हैं कि लोग सामने जुड़ने वाले लोग हमारे को घर में बुलाते हैं, ये देखो पानी पिलाते हुए कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया भाई, पाँच 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 यह है साबुन, क्या ये साबुन से बनाएंगे आइसक्रीम, क्या ये साबुन से बनाएंगे आइसक्रीम, क्या लगता है आपको ये साबुन क्या करेंगे भाई, पर मेरे को इतना नहीं पता, इसने साले ने एक हफ्ते से मेरी साबुन रखा था, तो ये साबुन करता क्या, हाँ ये साबुन करता क्या, क्या पता, और एक साबुन ले रहा है ये, क्या करते हैं आप, क्या आपने धोबी का काम चालू किया है, लुब्रिकेंट का काम, बिल्कुल सही सुना आपने, ये इनसे लुब्रिकेंट का काम कराते हैं साबुन से, हमारे बारे में आपसे बाद में बात करेंगे, हमारे हमें मिले दो महानुभाव लोग, इन लोगों ने हमें जो है चॉकलेट दिए हैं, कैमरामैन को दो और मुझे दो, तो हम दो और हमारे दो चॉकलेट, ये दो लोग ने दिए हमें दो चॉकलेट क्योंकि हमने इनको वीडियो में लिए थे, बिल्कुल इनकी चाह थी कि ये मरने पहली बार कैमरामैन आ सकते थे, मतलब वीडियो में आ सकते थे,
तो हम इनकी चाय पूरी करेंगे, उनका अमेज़ बना के आपको भेज देंगे। डोंट वरी दोस्तों, आप देख सकते हैं सरकार ने यहाँ पर बरसात में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए रास्ता बंद कर दिया है। गाड़ियों को जो है डाइवर्सन दे दिया गया है, गाड़ियाँ वहाँ से मुड़ करके जा रही है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शायद हो सकता है कि सरकार जो पानी चोरी का खेल खेलने वाली है वो लोगों को दिखे ना ना दिखे, जिस सरकार ने यहाँ पर जरूर लगा दिया है। तो देख सकते हैं कि कोई कोई लड़के अपने लड़कियों को भी लेकर जा रहे हैं और उनको असुविधा महसूस हो रही है सरकार के कारण, इन्हें बहुत ज़्यादा असुविधा महसूस हो रही है क्योंकि इधर से ब्रेकर थे और उनको ब्रेकर का मज़ा नहीं लेने मिलेगा। अभी आइए बने रहे साथ में सीसीटीवी। थैंक यू। चल गया। हाँ आप देख सकते हैं, आपको एक और रिपोर्ट देते हैं कि बरसात बढ़ने के कारण यहाँ पर पानी के केचुए किस तरह बाहर आ चुके हैं, यहाँ पर किसी पानी के बाहर आ चुके हैं और जा रहे पढ़ाई करने के लिए। सस्ता कबीर सिंह जा रहा है भाई। हम आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सीसीटीवी, धन्यवाद। पानी के कारण धूल पड़ रहा है। तो आइए आपको ले सकते हैं आज की रिपोर्टिंग के एकदम लास्ट फेज में, ये आगे हमारा बॉयज हॉस्टल है। हमारी चलती रहेगी आगे भी और यहाँ पर किस तरह पानी जमा हो चुका है बरसात के बाद में और यहाँ पर हर तरफ पानी भर चुका है। लोग अपने अपने कमरे के अंदर हैं, विद्यार्थी जो शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं यहाँ पर जो पढ़ने के लिए आए थे वो लोग अपने कपड़े धोकर सुखा नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी के कपड़े जो है गीले हैं, कोई अपने रूम के बाहर निकलने को तैयार नहीं, कोई निकल नहीं पा रहा है यहाँ पर जो कचरा। तो इस तरीके से अगर इनकी बातें सुनते रहे तो आप भी हो जाएंगे परेशान। और तब तक के लिए हमारी रिपोर्टिंग इसी तरह जारी रहेगी हमारे दोस्तों के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अमित पांडे, कैमरामैन पुनीत खड़े के साथ, सीसीटीवी नहीं सस्ती टीवी। नमस्कार।